everyone, welcome back to my channel. So today I'm doing this video in a chill sort of a setup kyunki main apne iPhone pe ye video record kar rahi hu. I don't have that usual setup jispe mera camera hota hai and just maine pehle bhi video try ki thi and a lot of you guys like this setup ki kabhi kabhi main chill kind of videos karu just because this time main bahut like I was feeling really sick and I didn't have a very creative topic for you guys. But a while ago I asked you guys if you are interested, like I asked on my Instagram ki agar aap log interested ho in knowing about some things that I do for my personal health, and there is one thing that I've been trying which is a special tea jo aapke period cramps mein help karti hai. This is recommended by my personal gynecologist and I am not a doctor or anything certified for that kind of information in any way, so ye gynecologist ne hi bataya hai and that is why I wanted to share it with you guys. It is recommended and totally safe. So yeah, sabse pehle main bataungi iske benefits, then main bataungi kin kin logon ko ye nahi peeni chahiye because it can be harmful for some people, and then we'll move on to kaise is tea ko banaya jaye aur kab kab piya jaye. This thing has helped me tremendously. Like I was the kind of person jiska flow kabhi hota tha kabhi nahi hota tha, irregular periods hote the and I was like borderline PCOS. Let's just get started with the things like ye kis cheez mein benefit karta hai. So the benefits of this specialty is that ye aapke periods irregular kar dega, then it will also help you with weight loss and bloating. Agar aapko water retention होता है, अगर आपके यू नो फेस पफी रहता है, लाइक एज यू गाइस कैन सी मेरा फेस भी थोड़ा सा पफी है बट इट्स लेस पफियर नाउ, सो ब्लोटिंग में हेल्प करता है. सबसे बड़ा रिलीफ जो मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में मिला है वो है क्रैम्प्स के साथ. मुझे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, लाइक फर्स्ट और सेकेंड डे मैं चल भी नहीं पाती थी अपने ही घर में बिकॉज मुझे बहुत ज़बरदस्त क्रैम्प्स होते थे. और जो PMS के यू नो सिम्टम्स होते हैं जिसमें आपका मूड बहुत इरिटेटेड हो जाता है एंड ऑल ऑफ दैट, वो भी काफ़ी कम हो गया है. सो इसमें कुछ ऐसे गुण हैं जिससे आपके स्किन और हेयर भी बहुत अच्छे हो जाएंगे अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस, इंच लॉस एंड रेगुलर पीरियड्स एंड क्रैम्प्स कम होना. सो दिस इज ऑल इन ऑल अ वेरी गुड टी फॉर योर हेल्थ. सो इफ यू हिट प्यूबर्टी और आपको पीरियड्स होते हैं बट देन रेगुलर नहीं होते, या कोई भी पीरियड्स रिलेटेड हॉर्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, सब लोग सारी लड़कियां ये टी ले सकते हो. बट इफ यू आर प्रेगनेंट देन आपको ये टी नहीं लेने चाहिए, चाहे अगर आपको वेट लॉस करना हो, चाहे आपको अपनी हेल्थ के लिए कितना भी कुछ हो, बिकॉज इसकी जो टी की तासीर है वो बहुत गर्म होती है. तो इसलिए आप लोगों के लिए, लाइक प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, इट इज अ टोटल नो. प्लीज डोंट हैव इट, इट कैन बी वेरी हार्मफुल. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद मेकिंग दिस टी. नाउ इस टी को बनाने के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है गाजर के बीज, जो आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएंगे या फिर अमेजोन पे भी अवेलेबल होंगे. इफ आई कैन गेट इट ऑनलाइन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, नहीं तो आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर जाके पूछ सकते हो कि गाजर के बीज आपको चाहिए. द नेक्स्ट थिंग दैट यू वॉन्ट इज वॉटर एंड दैट इज इट. ये दो ही इंग्रीडियंट्स चाहिए आपको. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द प्रोसीजर के इस टी को बनाना कैसे है. सो सबसे पहले एक टेबलस्पून कैरेट सीड्स अच्छे से पानी से धोने हैं, उसके बाद एक लीटर पानी किसी भी पतीले में डाल लो एंड बॉइल करो उसको ऑन अ हाई फ्लेम. जब बॉईल करते करते फर्स्ट उबाला आए तब आपको वो धुले हुए गाजर के सीड्स उसके अंदर डाल देने हैं और उसको आपको मीडियम फ्लेम पे रखना है जब तक वो पानी आधा ना रह जाए. लाइक इट विल टेक अबाउट 15 to 20 मिनट्स, जो पानी का बिल्कुल हाइट थी उससे थोड़ा आधा रह जाए बॉयल होके ऑन अ मीडियम फ्लेम. नेक्स्ट स्टेप में आपको इसको अच्छे से छान लेना है एंड दैट इज लिटरली इट. आपकी कैरेट टी स्पेशल सीड टी इज रेडी. नाउ फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड अबाउट दिस टी इज दैट अगर आप एक बैच टी का बनाते हो वो आप सिर्फ 2 दिन तक ही यूज कर सकते हो, उसके बाद ये टी पुरानी हो जाएगी, इसमें कोई गुण नहीं रह जाएंगे. सो आपको इसको दोबारा प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो ये 2 दिन तक आपकी चल जाएगी एंड आप इस 2 दिन के दौरान इसको स्टोर करने के लिए आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो. सो जो PMS के सिम्टम्स होते हैं, पेट दर्द, बहुत ज्यादा इरिटेटेड मूड, और जो ड्यूरिंग पीरियड्स भी आपके फर्स्ट और सेकेंड थर्ड डे पे बहुत ज्यादा हैवी क्रैम्प्स होते हैं, उस चीज को और ब्लोटिंग वगैरह को कम करने के लिए मुझे जो एडवाइस किया था मेरे डॉक्टर ने वो ये था कि अगर आपके पास कोई ऐप है या फिर अगर आप ध्यान रखते हो कि आपको पीरियड किस डेट पे होने हैं, उस एस्टिमेटेड डेट से 4 दिन पहले आप इस टी को पीना शुरू कर दो रेगुलरली. ये टी कब पीनी है, आपको सुबह उठ के खाली पेट पीनी है एंड टी की जो क्वांटिटी होगी वो 100 ml की होगी, लाइक हाफ कप, अराउंड हाफ कप या उससे भी थोड़ा कम गरम गरम आपको पीनी है एंड दैट इज अबाउट इट. दिस इज सपोज टू फ्लश ऑल द टॉक्सिन्स आउट ऑफ योर बॉडी, सो वाटर रिटेंशन के लिए बहुत अच्छा है.
Also, मेरी videos और pictures में आप लोग कह रहे हो कि मैं थोड़ी bloated कम लगती हूँ या फिर दी have you lost weight and this is what I love to hear from you guys. So maybe मुझे अभी इतना फर्क नहीं दिख रहा है but अगर आप लोगों को दिख रहा है तो maybe मैंने थोड़ा सा weight या inch loss किया और मैंने अभी तक अपने आप को measure नहीं किया है but I'm really happy about this progress because मैंने 6-7 महीने पहले ये चीज़ try करनी शुरू की थी and मैं बिल्कुल भी convinced नहीं थी इसके बारे में because मेरे जो cramps period cramps होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे and I was like there is no way कि एक painkiller के बिना मैं अपने period सर्वाइव कर पाऊंगी एंड टेकिंग पेन किलर्स इज रियली बैड फॉर इन द लॉन्गर रन सो इसलिए ये टी आयुर्वेदिक टी अगर आप पियो गाजर के बीज की आई थिंक दिस इज द बेस्ट क्योंकि आपको ये इमिजिएट रिजल्ट्स भी दिखा सकता है लाइक इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी मुझे फर्स्ट और सेकेंड मंथ्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा लाइक मेरा मूड बेटर था पहले से बट क्रैम्प्स में असर मेरे को थर्ड मंथ में दिखा कि थर्ड मंथ में आई फेल्ट लाइक I can survive it also. Yeah, जिन जिन लड़कियों को मेरी तरह जिन जिन बहनों को मेरी तरह प्रॉब्लम होती है पीरियड्स की वेट लॉस की वाटर रिटेंशन की हर चीज़ की PCOD की वो ये टी सॉल्व कर देगी आपकी प्रॉब्लम सो आई होप दैट यू रियली लाइक दिस शॉर्ट एंड क्विक वीडियो आई थिंक मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे कोई भी डाउट रह जाए प्लीज़ नीचे कॉमेंट करके बताना एंड आई वुड लव टू आंसर यू गाइज कोई भी हेल्थ रिलेटेड डाउट हो अबाउट दिस स्पेसिफिक टी मैं ज़रूर बताऊँगी वंस अगेन अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है आप अपने डॉक्टर से जाके पूछ सकते हो बिकॉज दिस वॉज रिकमेंडेड बाय माई गायनोकोलॉजिस्ट एंड आई ट्रस्ट हर कम्प्लीटली एंड मुझे असर दिखा भी है सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज इफ यू वॉन्ट मोर सच वीडियोज हेल्थी वीडियोज लाइक दिस प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो इफ यू न्यू टू माई चैनल मेरा फर्स्ट टाइम चेहरा देख रहे हो वीडियोज फर्स्ट टाइम देख रहे हो सो प्लीज नीचे मैं और वीडियोज लिंक कर दूंगी डू ट्राई दम आउट अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल बटन भी दबा देना ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन ऑल माई सोशल्स स्पेशली इंस्टाग्राम बिकॉज उसमें भी मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपसे शेयर करती रहती हूँ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम बाय